जब मैंने एक बच्चे के रूप में ये फिल्म देखी थी तो ईमानदारी से मुझे ये बहुत पसंद आई थी और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुझे गोविंदा की कॉमिक टाइमिंग के साथ कादर खान सर और शक्ति कपूर जैसे दिग्गजों की झलक भी बहुत पसंद आई थी। वैसे वरुण की कुली रीमेक सिर्फ हमें यह एहसास दिलाने के लिए बनाई गई है कि मूल फिल्म कितनी अच्छी थी। डेविड धवन द्वारा निर्देशित कुली नंबर 1 1995 में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली हिट फिल्म थी। यह एक मनोरंजक फिल्म है, यह एक रोलर कोस्टर की सवारी है, एक विशिष्ट 90 के दशक की कॉमेडी है जिसमें ड्रामा कॉमेडी और इमोशन अभिनय से भरपूर मसाला फिल्म है, एक अच्छा मनोरंजन है। गोविंदा एक बेहतरीन कॉमेडियन है और उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। उन्होंने इस फिल्म और राजा बाबू में वाकई बहुत अच्छा काम किया। मुझे आश्चर्य है कि वे कॉमेडी कर सकते हैं। मैं सोच रहा था कि उन्होंने 1980 से 1990 के दशक तक कॉमेडी फिल्म क्यों नहीं की, लेकिन डेविड धवन को धन्यवाद जिन्होंने दोनों फिल्मों का निर्देशन किया। डेविड हमें हंसाते हैं और उन्हें देखने में मजा आता है। कुली नंबर 1 ने आज तक अपनी कॉमेडी के लिए अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखी है। डेविड धवन ने फिल्म की शुरुआत से लेकर अंत तक गोविंदा की प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल किया है। कुली नंबर 1 दशक की सबसे मजेदार फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के बाद गोविंदा को कॉमेडी किंग के रूप में जाना जाने लगा। उनकी पिछली फिल्म राजा बाबू भी एक मनोरंजक फिल्म थी। शक्ति कपूर ने इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार जीता और वे इसके हकदार भी थे। फिल्म में एक्शन, रोमांस, पारिवारिक ड्रामा और ढेर सारी कॉमेडी है।